भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अंग अंग भर लुगड़ा असेल त्याते चले स्वतंत्र तेव्हाच भेटेल। ज्या दुसऱ्याची घरे बांधणारा गवंडी हा स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहील। या देशाला स्वातंत्र्य तेव्हाच भेटेल जेव्हा उभ्या जगाचा पोशिंदा शेतकरी हा उपाशी पोटाने झोपणार नाही। आणि तेव्हाच भेटेल जेव्हा मध्यरात्री सुद्धा आमच्या माया बहिणी सुरक्षित घरी परत येतील। परंतु आज स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षानंतरही आम्ही गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करू शकलो नाही। त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कठुआमध्ये माझ्या 8 वर्षाच्या लहान बहिणीवर नराधमांनी केलेला सामूहिक अत्याचार। त्या नराधमांनी माझ्या या बहिणीला ठार मारलं। आपल्या या देशामध्ये आज स्त्रियांवरचे अन्याय अत्याचार यांच्या या घटनेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे। स्त्रियांवर वाईट नजर टाकणे, स्त्रियांची छेड काढणे यांचे प्रमाण वाढले आहे। आपल्या देशामध्ये लोकांनीच निवडून दिलेले आमदार आमच्या जवानांविषयी, आमच्या जवानांच्या बायकांविषयी, आमच्या सैनिकांच्या बायकांविषयी घाणेरडे बोलतात, तरी त्यांना काही शिक्षा होत नाही। कुंपणाने शेत खाल्लं तर दाद मागावी कोणाकडे? आज आमचं असं झालंय, आम्ही मेंढर मेंढर यावं त्यानं हा कलाव, आम्ही मेंढर मेंढर यावं त्यानं हा कलाव, 5 वर्षाच्या बोलीन होतो आम चाली लावा। बाप लोक वाजो त्यात माय लोक गाजो त्यात, बाप लोक वाजो त्यात माय लोक गाजो त्यात, आम त्याच कातडीचे ढोल सारे वाजो त्यात, आम त्याच कातडीचे ढोल सारे वाजो त्यात। भारतीय संविधानाच्या पूर्वी भारतामध्ये मनुस्मृतीचे कायदे होते। स्त्रियांना शिक्षणाची बंदी होती, सती प्रथा होती, विधवा स्त्रियांचे केशवपन केले जायचे, स्त्रिया जरड बालविवाह होता, सुलतान जबादशाह यांचे जनानखाने होते, स्त्री ही फक्त उपभोगण्याची वस्तू होती। परंतु सुदैवाने फुले, शाहू, आंबेडकर, फातिमा बी शेख, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून आपल्या भारतीय संविधान अस्तित्वात आलं। आई वडील आपल्या मुलींना सांगतात की कसं वागावं, त्यांनी त्यांच्या मुलांना सुद्धा सांगितलं पाहिजे की त्यांनी मुलींशी कसं वागलं पाहिजे। बच्चियों और बहनों को निशाना बनाया गया, इसी जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए हम शहरियाने उदगीर मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की क्यादत में बिला तफरीक मजहब और मिल्लत यहाँ जमा हुए हैं। इन संगीन वारदातों ने पूरे मुल्क को झिंझोट कर रख दिया है, औरतों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया है। इन वारदात की वजह से औरतों की तहफुज पर सवाल ये निशान लग गया है। जनाबे वाला, पूरे मुल्क में अमन पसंद व इंसाफ पसंद अवाम इस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ सख्त मजम्मत कर रही है, लेकिन अफसोस सद अफसोस लीडर्स के साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी इन जहान में मुलबिस पाए गए हैं और बरसरे इख्तदार जमात मुजरिमीन की ताईद व हिमायत कर रही है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे बुलंद करने वाली हुकूमत आखिर क्या कर रही है? जो हुकूमत हमारी शरीयत में मुदाखिलत करके तलाकशुदा औरत को मजलूम करार देती है और उसके लिए नए अंदर छुपा हुआ इंसाफ करने वाला ही कातिल है आजकल। हजरत गिरामी, जिस हुकूमत में कानून के रखवाले कानून के साथ खिलवाड़ करें, जिस हुकूमत में बेटी की इज्जत लूटी जाए और उसकी हिफाजत करने वाले बाप की भी जान ले ली जाए और हुकूमत तमाशा ही बनी रहे, भला उस हुकूमत से अवामी फलाह की तवक्को कैसे की जा सकती है? आज इन संगीन वारदात की वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो गया है। हमें शर्म आती है इस मुल्क में रहते हुए। ऐ मातर वतन के सपूतों, अगर हाथियों पर कानूनी शिकंजा न कसा जाए तो हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। हमें हाथियों को कैसर की दार तक पहुंचा कर ही दम लेना होगा। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसा गलत कदम ना उठा सके। हर चौराहे पर कोशिश कर रहा हूं कि मोमबत्ती लेकर, मशाल लेकर खुद खड़ा नजर आऊं। मैं उस बिटिया का दर्द गाते हुए, जो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, उसमें एक नज्म आपको सुनाता हूं। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं,
अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं, एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, जुर्म इतना था मासूम बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा, अलविदा 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 अलविदा, रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा, चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा, रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। एक बंद पढ़ता हूँ साहब मैं, के फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, आपके मन में जो गुस्सा है उस गुस्से को बदलिएगा, पहुंचाइएगा शोर दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, देश की बेटियां लुट रही, देश की बेटियां लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा, अलविदा 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 अलविदा, रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब, कि सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए, और ज़हनों में है सिर्फ दंगे लिए, सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए, और ज़हनों में है सिर्फ दंगे लिए, अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए।
सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए कातिलों की अदाओं पे ये भक्त सब हो गए हैं फिदा अलविदा 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 फिर किसी और औरत की इज्जत लुटे अमन की और मोहब्बत की इज्जत लुटे जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए इससे पहले के भारत की इज्जत लूटे कैसे बतलाऊं किस दर्द में कैसे बतलाऊं किस दर्द में जिस्म से जान हुई है जुदा अलविदा 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 रो के कहती है ये आसिफा चीख कर कह रही निर्भया अलविदा 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 आप किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पर यहाँ पे तकरीबन सभी मजहब के लोग जमा हुए हैं और ये खास करके आसिफा ही नहीं बल्कि जितने भी लोग में मतलब बलात्कार हो रहे हैं जितने भी देश में गुनाह हो रहे हैं ये हो रहे हैं चोरी चकेटी जब से ये सरकार आई है गुनाह बढ़ते जा रहे हैं इसके वास्ते हम आपकी क्या मांग है ये भी जो कैंडल मार्च निकाले क्या मांग है आपकी इससे हमारी यही मांग है कि देश में अमन अमान फैले ये जितने भी रेपिस्ट है बलात्कारी है ये सब खत्म हो क्या सजा मिलनी चाहिए रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए रेपिस्ट को सीधा सीधा चौक में ठहरा के फांसी देनी चाहिए आप क्या बोलते हैं क्या होनी चाहिए सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार नेकलेस गल्सर रानी हार वो दीगर दस्तियाब है सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर नांदेड